नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। जैसा कि देखा जा रहा है कि पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है, वहीं मौसम विभाग द्वारा जगह जगह पर बारिश, बिजली और वज्रपात को लेकर समय समय पर चेतावनियां भी जारी की जा रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के उत्तरी और दक्षिणी पूर्व भाग के कई स्थानों पर, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि 21 जुलाई के आसपास बंगाल के उत्तरी पश्चिमी खाड़ी और इसके आसपास के इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है। इसी निम्न दबाव के साथ बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके बाद मौसम प्रणाली कमजोर हो जाएगी, लेकिन ट्रफ रेखा तलहटी के करीब शिफ्ट होने की संभावना है। इसके साथ चलिए अब देखते हैं बिहार के अन्य जिलों में अगले 3 दिन 20, 21 और 22 को कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज की, तो 20 जुलाई को इन जिलों के कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं 21 और 22 जुलाई को इन जिलों के अधिकांश जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन इन दिनों खास तौर पर मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। बात करें उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर की, यहां भी 20 जुलाई को अधिकांश जगहों पर गरज के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं 21 और 22 जुलाई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत बारिश की भी संभावनाएं हैं। इस तौर पर मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में 20, 21 और 22 जुलाई को कुछ ही जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी, लेकिन राहत की बात यह है कि यहां कोई भी नुकसान की संभावना नहीं जताई जा रही है। बात करें दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल की, 20, 21 और 22 जुलाई को इन जिलों के कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। यहां भी राहत की बात यह है कि मौसम विभाग के द्वारा कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो 20 और 22 जुलाई को इन जिलों के कुछ ही जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं, बाकी के जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 21 जुलाई को इन जिलों के अधिकांश जगहों पर जम के बारिश होने की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो अगले 3 दिन जिनमें 20 और 22 जुलाई को मौसम सामान्य रहेगा, आमतौर पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 21 जुलाई को इन जिलों के अधिकांश जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश की संभावनाएं हैं, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो 20 और 21 जुलाई को आम तौर पर हल्की बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं 22 जुलाई को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही दिन भर में एक या दो बार बारिश होगी, जहां अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मौसम के अपडेट के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।